चौराहे पर इन व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। देश में कोरोना की जो स्थिति चल रही है उसमें मीडिया बंधुओं की भी अहम भूमिका रही है। ऐसी भयावह परिस्थिति में भी वह हमें देश दुनिया हर जगह की हर तरह की खबर पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वह देश में मिल रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों की हो, वह उनके बीच में जाने से भी नहीं कतराते, या फिर कहीं पर कोई हिंसा हो अपनी जान पर खेलकर वहां की भी कवरेज देश तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए वह सम्मान के पात्र हैं। इनर व्हील क्लब द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान। मेरा नाम सुधा सक्सेना है, हम बरेली इनर व्हील क्लब और बरेली मरकरी से आज हम लोगों ने मरकरी की तरफ से अपना प्रोग्राम किया है। और वैसे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प सभी की कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है, और फोटो नहीं खिंचा के डाल रहे हैं, लेकिन हम गुप्त दान भी बहुत कर रहे हैं। और डेली का ये खाना, कच्चा खाना, आटा, दाल, चावल, रिफाइंड ये प्रोवाइड करा रहे हैं। घर में मास्क भी बन रहे हैं हमारे क्लब की मेम्बर्स रचना सक्सेना और हमारी क्या कहते हैं नंदा अग्रवाल जी, ये घर में बैठ के मास्क बना रही हैं और हर ज़रूरतमंद को दे रही हैं, रिक्शे वालों को और जो जिनके जो नहीं खरीद पा रहे हैं उन लोगों की मदद कर रही हैं। बाकी हमारी क्लब की तरफ से हम लोग नित प्रतिदिन रोज़ ये काम कर रहे हैं कि भाई जिस तरह ज़्यादा मतलब हम लोग कर सकते हैं सेवा करने, सामाजिक सेवा करते ही हम लोग सामाजिक सेवा, तो और कोई भूखा नहीं सोए। यदि हमारे मोहल्ले में, हम तो ये चाहते हैं कि यदि हमारे मोहल्ले में 200 लोग भी हैं तो 200 लोग में यदि 170 लोग ऐसा नहीं सक्षम है अपने घर से अपने परिवार से, तो वो यदि 30% 30 लोगों की यदि हेल्प करते हैं वो 170 लोग मिलके भी, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है जाने की। मैडम ये तो लॉकडाउन की बात रही, हाँ, इसके अलावा असामान्य दिनों में भी क्या आपकी संस्था कुछ काम करती है? हाँ बिल्कुल, जब हमेशा करती है, अनाथ आश्रम में जाते हैं हम लोग, जो भी बर्थडे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में ना करके हम अपने बच्चों की बर्थडे अनाथालय में करते हैं, वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली सब सेलिब्रेशन हम लोग वृद्धाश्रम में करते हैं, क्योंकि भाई वृद्ध जो बेचारे वो अकेले पड़े हुए हैं तो उनको थोड़ी खुशी देके हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं, दवाइयाँ, बच्चों की आँखों का चेकअप, डेंटल चेकअप, और हम लोग मतलब बच्चों की जरूरत की चीज़ें सब कराते हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, निःशुल्क लगाते हैं, दवाइयाँ भी फ्री में देते हैं और बच्चों को चेकअप भी फ्री देते हैं। समाज सेवा मंच ने आज उन सब्जी वालों का सम्मान किया जो गली मोहल्ले जाकर घर घर तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। इनकी वजह से सब्जी मंडी में भीड़ नहीं लग रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको जरूरत की चीजें घर पर ही मिल रही है। आज मंच द्वारा लाल फाटक समेत कई क्षेत्रों में फूल देकर माला पहनाकर सब्जी फल वालों का सम्मान किया और कांधरपुर जाकर जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट दिए। मंच के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, अध्यक्ष नदीम शमसी, राजा राजपाल, शादाब नियाज, मुजाहिद इस्लाम, नावेद खान, तरन चड्ढा, बब्बल, विकी प्रजापति, मुनाजिर का योगदान रहा। समाज आहुति फाउंडेशन ने किया जरूरतमंद लोगों भोजन तथा कोरोना फाइटर्स को पानी और चाय का वितरण। कोरोना वायरस के विरुद्ध फिजिकल डिस्टेंस बनाना एक महत्वपूर्ण हथियार है, सरकार द्वारा लॉकडाउन के द्वारा इसे लागू किया गया है। आहुति फाउंडेशन ने आज सोशल डिस्टेंस पर विशेष ध्यान देते हुए हाथों से भोजन बांटने के स्थान पर साफ जगह पर भोजन रखकर भोजन बांटने का सफलतम प्रयोग किया, जिसमें जरूरतमंद लोगों ने निश्चित दूरी पर रहते हुए भोजन प्राप्त किया। आज लॉकडाउन में आहुति फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन और कोरोना फाइटर्स के लिए चाय पानी का वितरण किया। फाउंडेशन ने बुलंदशहर से पीलीभीत पैदल जा रहे लोगों को व डूडा कॉलोनी पस्तौर निकट सीबी गंज तथा जज साहब की धर्मशाला में लगभग 200 पैकेट्स भोजन का वितरण किया। वन ही कोरोना फाइटर्स को सीबी गंज कर्मचारी नगर चौराहा बरेली से।